नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में इस वक्त सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव मोदी और मुद्दों के बीच हो रहा है। जी हां, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन और NDA के बीच नहीं हो रहा है। ये चुनाव मोदी और उस जनता के बीच हो रहा है जिसके पास अपने अपने मुद्दे हैं। 2014 का नौजवान आज दो बच्चों का बाप बन चुका है और 2014 के बाद ये बाप महंगाई की मार से अपने परिवार के भरण पोषण लालन पालन के चक्कर में आगे से टकला और पीछे से गंजा हो चुका है। और इन सब के पीछे वो सिर्फ एक ही कारण समझता है कि हमने मोदी को वोट क्यों दिया, जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए, अच्छे दिन का वादा किया। 2014 में ये नौजवान 18 साल का था, लेकिन अब मोदी जी 2047 की बात करते हैं, यानी कि 51 साल तक की उम्र तक मोदी के सपने के चक्कर में अच्छे दिन के वादे के साथ ये जीता रहे। बच्चों का लालन पालन करने के लिए ना नौकरी है ना ही रोजगार, यह सोच उसे एक नौजवान की है जिसने 2014 में पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलने के बाद मोदी सरकार को वोट दिया था, जिसने दूसरी बार भी दिया होगा। 2014 में उनकी उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, वह बेचारे अब क्या सोच रहे होंगे। पहली बार भी मोदी जी हिंदू मुसलमान करके जीते थे, उस समय लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति घनघोर निराशा थी। दूसरी बार मोदी जी पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाकर जीते, मुसलमान का डर दिखाकर जीते। और अब जब तीसरी बार की बारी आई तो उनके पास अपने काम गिराने के लिए कुछ भी नहीं था। बढ़ती बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और इलेक्ट्रोल बोन के जरिए BJP सरकार ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को भी तोड़ दिया और यह सारी मार पहली और दूसरी बार भाजपा के मतदाताओं पर सबसे ज्यादा पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना मत सबसे ज्यादा भाजपा को ही दिया था। ऊपर से अग्निवीर जैसी योजना करोड़ों नौजवानों के सपने के ऊपर कुठाराघात है और यह भाजपा से नाराज भी है। ये युवा पहले से कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा तो मोदी हिंदू मुस्लिम करेंगे। वह हर सर्वे और सर्वेक्षण में कहते थे कि मोदी जी अंत में हिंदू मुस्लिम जरूर करेंगे और मोदी जी ने ऐसा ही किया। लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने एक गलती कर दी, उन्होंने पहले चरण की हार को देखते हुए दूसरे चरण से पहले ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। मुसलमान तो पहले से ही BJP को वोट नहीं देने वाले थे, लेकिन वो नौजवान जिसने 2014 और 2019 में मोदी सरकार को वोट दिया था, जो पहले से कहता था कि मोदी जी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जरूर करेंगे, वो भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है। मोदी जी के हिंदू मुसलमान ने आग में घी डालने का काम किया, लेकिन हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होने के बजाय अब हिंदुओं में मुसलमान से ज्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि उनकी सोच जब सच साबित हुई तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मोदी के रहते हुए हमारा भला तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा। और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में उन्होंने यह तय कर लिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो वोट मांग भी नहीं रही है और इसका नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। अब बारी आती है उनके गठबंधन के साथियों की, जिनकी लुटिया डूबना तय है। उन्होंने अभी से ही मोदी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बुरा परिणाम बिहार में देखने को मिला है, जहां नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है। भले ही ये प्रचारित किया जा रहा है कि नीतीश को मोदी जी ने अपने मंच पर नहीं बुलाया, लेकिन असल में JDU के सारे उम्मीदवार मोदी जी से नाराज हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम हो। यहाँ तक कि पूर्णिया में JDU का उम्मीदवार था, मोदी जी की सभा थी, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए और नहीं जाएंगे। JDU का कार्यकर्ता अब भाजपा के उम्मीदवारों के लिए काम नहीं करेगा, उनका मुख्य समर्थन अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ है और इसका नुकसान NDA गठबंधन को होने जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सपोर्टर अब किसी भी परिस्थिति में भाजपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे और मोदी जी के इसी घटिया बयान की वजह से, लगातार मंच से झूठ बोलने की वजह से भाजपा और RSS कार्यकर्ता भी गांव वाले मतदाताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मतदाताओं का सिर्फ एक ही प्रश्न होता है कि मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या होने जा रहा है। अगर गलती से सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के सांसदों का सहयोग चाहिए होगा तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा नीतीश कुमार ने किया तो उनके सारे सांसद कुछ भी कदम उठाने की अभी से कसम खा चुके हैं, वह भी मतदाताओं के सामने हाथ में गंगा जल लेकर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी ने हिंदू मुसलमान करके और झूठ बोलकर अपनी क्या स्थिति कर ली है। ठीक यही स्थिति आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की है। जो प्रश्न JDU के उम्मीदवार बिहार में झेल रहे हैं, वही प्रश्न चंद्रबाबू नायडू एवं तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों को आंध्र प्रदेश में भी झेलना पड़ रहा है। वह भी कसम खाने को तैयार हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं
तो हम किसी भी परिस्थिति में उनके साथ नहीं जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी ध्रुवीकरण के चक्कर में अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान खुद मोदी जी को हुआ है। जो महिलाएं आज तक आंख बंद करके अपने घर वालों के विरोध जाकर चुपचाप मोदी जी को वोट डालती थी, उन महिलाओं को भी अब यह समझ आ गया है कि यह मोदी बांटने वाला है, जोड़ने वाला नहीं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कहा कि मंगलसूत्र के लिए भारत की महिलाएं यमराज तक से लड़ जाती हैं। शायद मोदी जी को सती सावित्री की कथा याद नहीं रही। वैसे महिलाओं को नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र छीनने का डर दिखा रहे हैं। आज़ादी से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक मंगलसूत्र बनवाने के लिए सोने का भाव क्या था, और इस मोदी के राज में सोने का भाव क्या है? मंगलसूत्र बनवाने के लिए भी दो तीन तीन साल तक सोचना पड़ता है, और मोदी झूठ मूठ का मंगलसूत्र छीनने का डर दिखा रहे हैं। इस बार तो युवा उन्हें वोट नहीं देंगे। पहली बार मोदी जी को अपनी काट की हांडी बार बार चढ़ाने का नुकसान उठाना पड़ेगा। एक विशेष सूचना जो हम आपको बता दें कि हमारी ये रिपोर्ट कई राजनीतिक विशेषज्ञों की राय के ऊपर आधारित है, जिससे हम सहमत भी हैं। अब इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।